हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन दिया है आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम और तत्व। तो इसका राइट आंसर होगा कि ध्वनि की उच्चता जो निर्भर करती है वो आपका आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस समतापित रॉ तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है। बिकॉज गैस, तो गैस क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि क्योंकि गैस का जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, कि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, क्योंकि तापमापियों की तुलना में ज़्यादा गैस तापमापी संवेदी होता है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यह ज़्यादा संवेदी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमाणों में से किसके आयाम शेष तीनों से भिन्न है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा परिमाण है जिसका आयाम मतलब और ऑप्शन से अलग है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान। कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान जो कि अन्य तीनों से अलग है, डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा भौतिक मात्रा है जिसका युग्म एक दूसरे से इक्वल होता है, उसका युग्म का जो आयाम होता है वह इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्य एवं ऊर्जा का जो भौतिक राशि होता है, मात्रा होता है, वह समान होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसके युग्म का जो आयाम होता है वह समान होता है। अगला प्रश्न है, जल घिसने वाला विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, जल घिसने वाला जो विद्युत पंप होता है तो उसके द्वारा हम क्या बदलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसके द्वारा हम ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, कि विद्युत ऊर्जा को स्थितित ऊर्जा में बदला जाता है। जल घिसने वाले विद्युत पंप विद्युत ऊर्जा को स्थितित ऊर्जा में बदलने का वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि ऑक्सीजन का घनत्व, ऑक्सीजन का जो डेंसिटी है घनत्व, वह हाइड्रोजन से 16 गुना अधिक है तो उनका तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात क्या होगा? ऑक्सीजन का जो घनत्व दिया है तो वह हाइड्रोजन के घनत्व से 16 गुना अधिक है, तो उनका तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1:4 होगा, 1:4 के अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, थर्मामीटरों में आमतौर पर फारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसका जो होता है उच्च चालकता होता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि इसका उच्च चालकता होता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी गति जो है एक निश्चित समय के अंतराल के बाद वह पुनः रिपीट करते रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम आवधिक गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आवधिक गति उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आवधिक गति। अगला प्रश्न है, एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा वो किसके अनुपात में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वह गैस के परम ताप के अनुपात में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कि गैस के परम ताप के अनुपात में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ध्वनि प्रदूषण को किस यूनिट में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है,
अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है बिकॉज डैश पानी से कम होता है। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है। क्या कम होता है पानी से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी से उसका जो होता है उसका क्वथनांक वह कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। अगला प्रश्न है, विकिरण के प्रमात्रा जो क्वांटम संख्या होता है सिद्धांत के संस्थापक कौन है? विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लैंक। प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने विकिरण के मात्रा यानी क्वांटम जो सिद्धांत होता है उसका दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो जब किसी बॉडी का वेग को हम दुगुना कर दें तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसका संवेग दुगुना हो जाता है। जब उसके वेग को दुगुना कर दिया जाता है तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि उसका संवेग दुगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी एक ही यूनिट है? निम्नलिखित में से कौन है जिसका दोनों का यूनिट एक ही होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्य और बल आघूर्ण का यूनिट एक ही होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा साधन है, युक्ति है जिसका कि हम विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ताप वैद्युत पुंज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ताप वैद्युत पुंज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, ताप वैद्युत पुंज का उपयोग किया जाता है विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, तरंगों की तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनको विस्तार का अनुपात क्या होगा? किसी तरंग के तीव्रता का अनुपात दिया है 25:9, तो उनके विस्तार का अनुपात पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो इसका वर्ग आप निकाल देंगे तो 25 का होगा 5 और 9 का होगा आपका 3। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर 5:3 दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5:3। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, गेंद में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा है जो कि वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय ऊर्जा, जो कि वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम है उसके अनुसार यह हमें पता चलता है कि किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि दूसरे नियम से हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? साइकिल का जो टायर होता है वह अचानक सडनली फट जाता है, तो इससे यह क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह रुद्धोष्म प्रक्रिया दर्शाता है, यह रुद्धोष्म प्रक्रिया दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रोण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर, जो उनका फर होता है, उनके किस काम आता है? अधिक ठंड क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उसके किस काम में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इस काम में आता है, वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। अगला प्रश्न है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? जो ताप गतिकी का प्रथम नियम है तो वह किस सामान्यतः किससे संबंध है वह? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम से वह संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जो ताप गतिकी यानी ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है वह ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सेंटीमीटर में सूक्ष्म तरंगे की सेकेंडों में दोलन की अवधि है, सेंटीमीटर में सूक्ष्म तरंगों के सेकेंडों में दोलन की अवधि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 × 10^10 यानी 1010। अगला प्रश्न है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है। पृथ्वी ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक है और एक अच्छा विकिरक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? मानव शरीर में विकिरण की हुई कमी को हम किसके द्वारा मापते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि रेडे के द्वारा उसे मापा जाता है। जब मानव शरीर में विकिरण की कमी हो जाती है तो उसको हम रेडे के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि वहां पर पहुंचने पर तापमान बढ़ने पर घट जाता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, यह एक अश्व शक्ति का समतुल है। जो ऑप्शन दिया है उसमें अश्व शक्ति का कितना मान होता है? अश्व शक्ति जो कि आपका शक्ति का यह यूनिट होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, तो एक अश्व शक्ति इक्वल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि एक अश्व शक्ति इक्वल होता है 746 वाट से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 746 वाट होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमांक के नीचे से। हिमांक के नीचे से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि हिमांक के नीचे से। अगला प्रश्न है, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है। एक दाब मापी है जिसे कि बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? उस बेल जार से हम वायु को धीरे धीरे अगर निकालें तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि पारे का जो स्तर है वह बढ़ने लगता है। पारा जो एच जी धातु होता है तो उसका स्तर बढ़ने लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गति पालक जो होता है वह चक्र भाप इंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसे क्यों माना जाता है? तो क्योंकि जो उसका गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, इसलिए उसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक बार किसके बराबर होता है? एक बार किसके बराबर होता है, मतलब एक बार इक्वल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 105 पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 105 पास्कल इक्वल एक बार होता है। अगला प्रश्न है, शब्द इंसुलेशन यानी आयतन का अर्थ है, शब्द इंसुलेशन जो है तो उसका अर्थ क्या होता है? आपतन होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि आने वाली सौर विकिरण। इंसुलेशन का अर्थ है आने वाली जो सौर विकिरण होता है उसे हम इंसुलेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो आपका तापमान होता है, टेम्परेचर, वह कांस्टेंट रहता है, वह नियत रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि जो तापमान होता है वह कांस्टेंट रहता है यानी नियत रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन जो होता है उसका दर किस पर डिपेंड करती है? तो इसका राइट आंसर होगा कि शीतलन की जो दर होती है वह बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, इस पर भी निर्भर करती है। फिर विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करती है और विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल यानी इस सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कन्वेक्शन, जो कि ऊष्मा स्थानांतरण करने का एक आइडिया है, तरीका है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि सरल गति का उदाहरण है एक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरल दोलनी गति, जो कि सरल आवर्त गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सरल दोलनी गति। अगला प्रश्न है, जल क्लोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? जल क्लोरीमितिक पदार्थ के रूप में उसका उपयोग हम क्यों नहीं करते हैं? तो क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, सो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसमें विशिष्ट उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? क्या घटित यानी उसके कम होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुक्त ऊर्जा में कमी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मुक्त ऊर्जा में कमी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति दर्शाने वाली प्रणाली में यह अवश्य होना चाहिए। सरल आवर्त गति दर्शाने वाली प्रणाली में क्या अवश्य होना चाहिए, क्या नेसेसरी है इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिवास्ता एवं जड़त्व, दोनों ही बहुत ही आवश्यक है, इसमें दोनों होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है,
ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। ऊष्मा विकिरण का एक अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। कहाँ यात्रा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश की गति के साथ यह यात्रा करती है, ऊष्मा विकिरण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ताप की खराब अवशोषक एवं अच्छी परावर्तक होती है एक श्वेत तथा चिकनी सतह। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अति चालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था? अति चालकता का सबसे पहला सिद्धांत जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन सिद्धांत, जो कि अति चालकता का सबसे पहला सिद्धांत था, प्रथम सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, लंदन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कि ताप बजट की सही व्याख्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि यह आगत विकिरण तथा निर्गत किए गए विकिरण का संतुलन बताता है। यह आगत विकिरण आने वाली एवं निर्गत यानी जाने वाली विकिरण का वह संतुलन उसको बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का जो बाहरी हिस्सा होता है तो वह काला क्यों हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है इसलिए काला छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह ऊष्मा का अच्छी अवशोषक होती है। अगला प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली नामक वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिया था तो उसमें किसको हम संरक्षण करते हैं, उन्होंने क्या बताया था? तो इसका राइट आंसर होगा, वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में बताए थे, ऊर्जा का संरक्षण उसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा है जो कि ध्वनि के वेग पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कि आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आर्द्रता पर। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को लपेटकर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं, वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि उसे हम ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उसे हम देख सकते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपनी मुंह खोलता है, जिससे कि जब मेघ गरजता है बादल ऊपर से तो सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, वह मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए वह ऐसा करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कि दोनों कानों के जो कर्णपटल होता है तो उस पर वायु का जो प्रेशर होता है उसे इक्वल करने के लिए वैसा वह करता है। अगला प्रश्न है और यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, जब कोई पिंड वायुवान से गिराया जाता है तब इसकी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? जब हम कोई वस्तु है या पिंड किसी भी बन लीजिए तो उसे हम वायुवान से नीचे गिराते हैं तब उसकी क्या बढ़ जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसका जो एक्सीलरेशन होता है त्वरण, वह त्वरण बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका यह 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप इन सभी को याद कर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।